कार्तिक मास कथा अध्याय एक। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से कार्तिक मास की माध्यमिक कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक मास स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना आठवां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म कर्म जप तप पूजा पाठ व्रत पाठ स्नान ध्यान दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है और संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर भी नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 बजे के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा भी करनी चाहिए। जिस घर में कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वहाँ कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं होती और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार वहाँ पर पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत दान तुलसी जी का विवाह दीप दान और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। इस महीने में किया गया छोटे से छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन किया जाता है, यानी जो लोग उपवास रखते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं, वे शाम की पूजा करने के बाद ही तारों की छांव में ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर लेते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए ये जान लीजिए। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर जैसे कि रविवार एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर आप तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित करके दीपदान भी किया जा सकता है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोज पढ़ना या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करें, अपने अभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और एक दीप आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं उन्हें पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद तारों को अर्घ देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीने उपवास नहीं कर सकते हैं वे इस दिन महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास करके अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। उद्यापन वाले दिन आपको 5-5 की मात्रा में कोई भी सामग्री का दान करना चाहिए, जैसे कि आप 5 घड़े 5 सुराही 5 तरह के फल तरह के अनाज इन सब का दान किसी योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणों के लिए भी आपको उनकी जो भी पहनने की चीजें हैं जैसे कि साड़ी या सूट आदि वो भी उन्हें दान कर देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो ताजे पानी से नहीं तो गर्म गुनगुने पानी से आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार स्नान कर सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर आपको विधि विधान से आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए।
पूरे महीने में हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। मसालेदार मांसाहारी प्याज लहसुन लौकी गाजर उड़द की दाल मूंग मसूर चने की दाल मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। नशा झूठ चोरी पाप आदि से दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को पूरे महीने में सिर्फ एक दिन को छोड़कर शरीर में तेल लगाना भी वर्जित माना गया है। केवल नरक चतुर्दशी के दिन यानी छोटी दिवाली के दिन शरीर पर तेल लगाकर स्नान किया जाता है। जो लोग पहले से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं उन्हें तो ये बात पता होगी, लेकिन जो लोग पहली बार से कार्तिक मास के नियमों का पालन करना चाहते हैं उनके लिए ये जानकारी जरूरी है कि आपको कुछ नियम ऐसे हैं जिनका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए। जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता, धरती पर बिस्तर बिछाकर सोया जाता है, सुबह और शाम तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा की जाती है। कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। एक प्रसिद्ध किंदवती के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहु दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की ये बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे, मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है, मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कंधा देने में आ जाऊंगा, तुम बुढ़िया माई से ये बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस भी नहीं हुई। सभी लोग कहने लगे कि ये तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहां आए और कहने लगे, अरे ये भीड़ कैसी है? गांव वाले कहने लगे कि एक बूढ़ी बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापनी थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर ये अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई तो अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में बास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काट ले, झालर की झंकार ले, दाल भात को जी और कान्हा जी का कंधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इसी प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने और सुनने और हुंकार भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कंधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय।
एक समय धर्म के गुण, रहस्य, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों ने नैमिक पाषाण तीर्थ में एकत्रित हुए। अनेक बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग शिष्य श्री महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्य, चार वेदों, छह शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से ये बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलिकाल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य बैकुंठ लोक में चला जाता है। सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सब जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनित भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग अंत में बैकुंठ लोक चला जाता है। ये कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पूर्ण प्रदान करता है। कार्तिक मास में भगवान का गुणगान नुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रतिक्रिया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए ये अति उत्तम प्रश्न किया है। सो अब मैं कार्तिक मास का पुण्यदायिनी महात्म्य कहता हूँ और तुम श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त हो 12 अंगुल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्रद्धा सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकदम अमावस्या छठ नवमी एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का दर्पण करें। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक थूक कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचाना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने वाले और नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना कर आवाहन, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य,
तांबोल पुंगी फल दक्षिणा नमस्कार ये 16 चीज मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का एक बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्मा हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं, जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेल पत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी में परम को पद प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरा से तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल डालना गंगा यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन में वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन प्रदक्षिण और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिय, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनिवर ने आपका पूजन किया, मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसे स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन पुष्प पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करने, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परमवीर, धीर, गंभीर और कार्तिकवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है उसके एक वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नाम वाला भोजन नहीं खाना वर्जित है। दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नामक मसूर वासी भोजन, तांबे के पात्र में डालता हुआ दूध इत्यादि से भी सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैगन, पेठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए।
एकदम को, पेठा दूध को, बैगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परम, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णिमासी के किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। आज का ये वर्णन समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल दूसरे अध्याय के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।